देश के सामान्य का मानवीय का विश्वास नई बुलंदियों को छू रहा है, नए अरमानों से को छू रहा है। मेरे देश के नौजवान विश्व की बराबरी करने के सपने देखने लगे, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत न दबाव में आता है न दबाव को मानता है। आज का भारत न झुकता है, आज का भारत न थकता है, आज का भारत न रुकता है। उस समृद्ध विरासत विश्वास लेकर के, संकल्प लेकर के चली है, और यही कारण है जब देश का सामान्य मानवीय देश पर विश्वास करने लगता है तो दुनिया को भी हिंदुस्तान पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। आज जो दुनिया का विश्वास भारत के प्रति बना है उसका एक कारण भारत के लोगों का खुद पर विश्वास बढ़ा है। यह सामर्थ्य है, कृपा करके इस विश्वास को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मौका आया है देश को आगे ले जाने का, समझ नहीं सकते तो चुप रहो, इंतजार करो, लेकिन देश के विश्वास को विश्वासघात कर करके तोड़ने की कोशिश मत करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में विकसित भारत के एक मजबूत नींव रखने में हम सफल हुए हैं, और सपना लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होते पर ही अमृतकाल शुरू हुआ है, और अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है। तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं, जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों, और ये देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड एक नाच पुरुषार्थ से होने वाला है, ये मेरा विश्वास है।